पंचायती राज एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट की गई है, जिसके अंदर जो है 73 अमेंडमेंट, जिस तरीके से हमेशा हर एक पंच सरपंच की डिमांड रहती थी कि अलग अलग इलाकों में जाके जो है डेवलपमेंट के काम जो है हों, खासकर अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, यहां पे इससे पहले डेवलपमेंट नहीं हुई, और आज जो है यहां पे कपिल जी की सरपरस्ती में यहां पे एक मीटिंग कंडक्ट की गई, और उस मीटिंग के अंदर जो है 15 से 20 जो है पंची सरपंचेस हजरात आए थे, और एक चर्चा का विषय हुआ कि आगे किस तरह से इलेक्शन लड़ने हैं, और रजौरी जो यहाँ से कौन कैंडिडेट होगा, किस तरीके से मंजा कोर्ट के अंदर या इसी तरीके से अलग अलग इलाकों से जो है यहाँ पे पंची सरपंचेस आए थे, और ताकि ऐसे कैंडिडेट चुनके सामने आए जो कि एक डेवलपमेंट का इशू राइज करके चलें, एक जो डेवलपमेंट के दो दौड़भाग है उसको आगे बढ़ा सकें, और उसी विषय में आज यहाँ पे मीटिंग हुई, और उम्मीद है कि अच्छे कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि जिस तरह से इसके एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट हुई है और बहुत बड़ी एक अमेंडमेंट हुई है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से फंड्स जो हैं खासकर जम्मू कश्मीर के लिए आ रहे हैं, और इस अमेंडमेंट के चलते वो फंड जो हैं और तेज़ी गति से जो है ज़मीनी स्तर तक यूटिलाइज होंगे, और उम्मीद है कि अच्छी तरीके से जो है कैंडिडेट यहाँ पर रजौरी के अंदर जीत के आएंगे, और बाकी जितने भी लोग हैं सबसे यही अपील रहेगी कि ताकि जो अपने नुमाइंदे हैं एक अच्छे नुमाइंदे चुने जो आपके साथ हमेशा खड़े रहे, कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, क्योंकि अब वो पुरानी बात नहीं रही, और खासकर पंचायती राज एक्ट के अंदर अगर बात की जाए या पंचायती राज जो पूरा सिस्टम है अगर उसके अंदर बात की जाए वो एक अलग सिस्टम अब क्रिएट हो चुका है, सीधा ग्रास रूट लेवल तक जो है वो चीज़ चली गई है, और अगर ग्रास रूट डेवलपमेंट की बात करें, अगर ग्रास रूट लेवल तक अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं, और ग्रास रूट लेवल से चुनने वाले वही लोग हैं जो वोटर हैं, और खासकर उन्हीं से यही अपील रहेगी कि कंधे से कंधा मिला के जो आपका कैंडिडेट है वो चले, उसी को वोट दें, और इसी तरह से जो है आज यहाँ पर मीटिंग ले गई कपिल जी की सरपरस्ती में। देखिए, जैसे आपने कहा कि लोग ऐसे कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आज हमारे पंच साहिबान सरपंच साहिबान सभी यहाँ पे आए थे, कुछ जरूरी मसले थे, मसलाइल थे इनके, जैसे कि बैक टू विलेज के प्रोग्राम हुए, वहाँ पे कुछ कामों की कमी रही, वहाँ पे काम नहीं हुए, क्योंकि पंच सरपंच साहिबान का यही कहना था कि बैक टू विलेज के प्रोग्राम तो ये लिख ले जाते हैं लेकिन ग्राउंड पे काम नहीं होते हैं, कोई इन्होंने जितने भी सरपंच है उन्होंने यही कहा है कि डिपार्टमेंट जो आता है खाली लिखने के लिए आता है, ग्राउंड पे काम नहीं करता, तो बैक टू विलेज के जो प्रोग्राम है उन्होंने करने हैं तो सही तरीके से करें, प्रॉपर चैनल से करें, जिस तरीके अगर हर तरीके के आप देखोगे जम्मू के अंदर जितनी भी पंचायतें हैं या आसपास की जितनी पंचायतें हैं, छम जोड़िए की पंचायतें हैं, आरसपुरा की पंचायतें हैं, वहां पे काम हो रहे हैं, वहां पे मॉडल पंचायतें बनी हुई हैं, लेकिन सिटी के जो आसपास की पंचायतें हैं 4-5 वहां पे काम नहीं हो रहे हैं। पंच सबसे हमने डिस्कस भी की, दूसरा जो डीडीसी के इलेक्शंस आ रहे हैं उनमें चर्चा की गई कि कैसे करना है, किस तरीके चलना है, बाकी जो भी पार्टी का फैसला होगा वो आखिरी फैसला होगा, लेकिन आज का जो मुद्दा था हमारा यही मुद्दा था, और इसको लेके हम डीसी के पास भी जाएंगे कि जो ये बैक टू विलेज के जो प्रोग्राम हो रहे हैं ये सही तरीके से नहीं हो रहे हैं, खाली लिखने पड़ रहे हैं और लोगों का टाइम वेस्ट किया जा रहा है, गरीब लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं, वो लोग अपने मुद्दे लेके आते हैं यहाँ पे, उनको आस होती है कि कोई हमारा काम होगा, लेकिन काम जो है कागजों में धरा धरा जाता है, क्योंकि काम जमीन पे हो नहीं रहा है, क्योंकि पंच सरपंच जो है उनको पब्लिक को जवाब देना है, लेकिन जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो खिलवाड़ कर रहे हैं पंच सरपंचों के साथ, काम नहीं हो रहा, आज सरपंच हंडी कसी के बैठे हुए हैं, इनका यही कहना है कि जो पोल है वो वहां पे नहीं है, तारे बंधी हुई है पेड़ों के साथ, नायब सरपंच साहब भी साथ बैठे हुए हैं, जितने भी सरपंच काफी आए हुए हैं यहाँ पे 20-25 लोग आए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन सबका एक ही कहना है कि काम जो है जमीन पे नहीं हो रहा है, हम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ताकत दी है पंच सरपंचों को तो ताकत के वो काम भी तो होने चाहिए, ताकत देनी है तो पूरी तरीके ताकत दो, आप पावर देनी है अगर आपने तो, ऐसे नहीं होगा, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ पे एलजी साहब से कि एलजी साहब इस तरफ ध्यान दो, अगर 520 करोड़ रुपया आया है जम्मू कश्मीर के लिए पंचायतों के लिए तो वो लगना भी चाहिए, वो वहीं पे धरा धरा ही रहना चाहिए, क्योंकि पैसे आए हैं, क्योंकि अली साहब आप एक काबिल हैं, सेंटर में मंत्री आ चुके हैं आप, अगर आप यहाँ पे आए हैं तो जमीन में पैसा लगना चाहिए, क्योंकि जो उसके नीचे के लोग हैं उनके पास पैसा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप यूटी है, यूटी के अंदर पैसा लोगों के पास जाना चाहिए, और मेरी अंत में वही रिक्वेस्ट रहेगी उनसे कि आप इस पर जोर लगाइए, और जो आने वाले इलेक्शंस हैं डीडीसी के, जितने भी लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मेरी उनसे ये विनती है कि जब भी आपको लगता है कि आपके एरिया में कोई काम नहीं हो रहा या कोई डिपार्टमेंट के लोग काम नहीं कर रहे हैं, आप मुझे कॉल कीजिए, जितने भी पंच सरपंच मेरी आवाज सुन पा रहे हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे कॉल कीजिए, रात के 12 बजे हो या दिन के 12 बजे हो, जब भी आप कॉल करोगे मैं हाजिर होऊंगा, कोई भी डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा तो मुझे बताइए आप, धन्यवाद।